वेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी, याद कर सकते हैं कि पूरी फेरा में पैरा गैस्ट्रिक कैविटी पाया जाता था, जिस तरह से पूरी फेरा में पैरा गैस्ट्रिक कैविटी पाया जाता है उसी तरह से सिलेंड्रेटा में गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी पाया जाता है। इस गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी को हम सिलेंड्रॉन कहते हैं। सिलेंड्रॉन, याद रखिएगा इस पूरे फाइलम का नाम सिलेंड्रेटा पड़ा है। दिस इज ड्यू टू सिलेंड्रॉन। सिलेंड्रॉन का मतलब है एक गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी, एक गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी। याद रखिएगा इसी का दूसरा नाम आप देखेंगे निडेरिया है। निडेरिया, निडेरिया, इसका नाम निडेरिया इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें एक सेल है नीडो ब्लास्ट सेल। नीडो ब्लास्ट सेल याद रखिएगा, नीडो ब्लास्ट सेल, इसको हम स्टिंगिंग सेल के नाम से जानते हैं। जिसको आप नीडो ब्लास्ट सेल बोल रहे हैं इसको हम स्टिंगिंग सेल, स्टिंगिंग सेल के नाम से जानते हैं। हम बता चुके हैं कि पूरे एनिमल किंगडम में सबसे कॉम्प्लेक्स सेल अगर कोई है तो नीडो ब्लास्ट सेल है, स्टिंगिंग सेल है। याद रखिएगा ये जिसके अंदर मैं ब्लास्ट लगा हूं, याद रखिएगा उसको फॉर्मिंग सेल बोलते हैं। याद रखिएगा ये मदर सेल है जिसे नीडोसाइट की गलती है, वो नीडोसाइट हेल्प करती है एंकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। ये हेल्प करती है एंकरेज डिफेंस डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे, कैप्चर ऑफ प्रे। मैं आपको सिलेंड्रेटा पढ़ा रहा हूं, इस सिलेंड्रेटा को निडेरिया कहते हैं। इसका नाम सिलेंड्रेटा इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, जिस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम सिलेंड्रॉन है। याद रखिएगा ये वो सेल है जिसमें एनिमल किंगडम का सबसे कॉम्प्लेक्स सेल पाया जाता है जिसको नीडोब्लास्ट सेल कहते हैं। ये बार बार एक सेल बनाती है नीडोसाइट जिसका नाम स्टिंगिंग सेल है। ये वही स्टिंगिंग सेल है जो इसके मेंबर्स को एंकरेज देती है, डिफेंस देती है और प्रे को कैप्चर करने में मदद करती है। याद रखिएगा इसके जो मेंबर हैं, इसके जो मेंबर हैं सिलेंड्रेटा के जो मेंबर हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। इसके मेंबर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको हम सोलिटरी बोलते हैं। याद रखिएगा इनके कुछ मेंबर हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको हम सोलिटरी बोलते हैं। जैसे हम बोले हाइड्रा, तो याद रखिएगा अमूमन बच्चे क्या गलती करते हैं कि सिलेंड्रेटा का नाम देखकर उसके एग्जांपल रख लेते हैं लेकिन आगे लगा होता है सोलिटरी, सोलिटरी है कि कॉलोनियल है कि फ्री स्विमिंग है कि फ्री फ्लोटिंग है कि सेसाइल है, और बहुत बड़ा मिस्टेक कर बैठते हैं हम। याद रखिए अगर कहेगा सोलिटरी तो लगाओगे हाइड्रा, समझो। अगर कह दिया कॉलोनियल, कॉलोनियल तो आप बोलोगे ओडेलिया, ओडेलिया, ओडेलिया। लेकिन अगर कह दिया आपसे फ्री स्विमिंग, देख बेटा फ्री स्विमिंग और फ्री फ्लोटिंग दोनों में अंतर है। फ्री स्विमिंग और फ्री फ्लोटिंग, देखो फ्री स्विमिंग और फ्री फ्लोटिंग दोनों में अंतर है। अगर आपसे कहता है फ्री स्विमिंग तो आप कहोगे सर जी ओडेलिया, ये कहानी है ओडेलिया की। याद रखिएगा अगर कहता है फ्री फ्लोटिंग, ये कहानी है फाइसेलिया की, फाइसेलिया, फाइसेलिया। याद रखिएगा सिलेंड्रेटा का वो मेंबर जो सोलिटरी है, जो अकेले रहता है उसको हाइड्रा कहते हैं, जो कॉलोनी में रहता है उसको कॉलोनियो कहते हैं, और जो फ्री स्विमिंग है वो ओरेलिया है। लेकिन ऐसा जो फ्री फ्लोट करता है उसको फाइसेलिया बोलते हैं। इसके कुछ मेंबर ऐसे हैं जो अटैच रहते हैं, जिसे हम अटैच कहते हैं उसे बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम सेसाइल कहते हैं। अगर हम कहीं आपसे अटैच या सेसाइल तो याद रखिएगा इसके सारे मेंबर कोरल्स होते हैं, कोरल्स। मैंने फिर कहा सिलेंड्रेटा जिसको निडेरिया कहते हैं, इसका नाम सिलेंड्रेटा पड़ा ड्यू टू गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जिसका नाम सिलेंड्रॉन है, और इसी का नाम निडेरिया पड़ा क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट सेल है। ये नीडोब्लास्ट सेल जो होती है वो प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस करती है स्टिंगिंग सेल। ये स्टिंगिंग सेल एंकरेज डिफेंस और कैप्चर में मदद करती है। चूंकि ये याद रखिएगा इसके बॉडी में दो जॉन लेयर है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इनमें जो डाइजेस्टिव, देखो चूंकि टिश्यू लेवल है ऑर्गन है नहीं इनमें, इनमें सिंगल ओपनिंग होता है माउथ के लिए। या जैसा मैं एग्जांपल दे हाइड्रा की, तो हाइड्रा की अगर बॉडी देखोगे तो हाइड्रा में सबसे नीचे ये देखो, इसको हम बोलते हैं पेडल डिस्क, पेडल डिस्क, पेडल डिस्क। जो ऊपर होता है इसका ये मुंह होता है, जरा समझिएगा
ये मुंह होता है, ये माउथ है, इसी में से कुछ भी अंदर जाएगा, इसको हाइपोस्टोम बोलते हैं, हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम। याद रखिएगा इस हाइपोस्टोम के नीचे, कुछ कह रहा हूं आपसे, हाइपोस्टोम के नीचे रिंग में, रिंग में मतलब सर्कल में 6 से 10 या 6 से 12 हॉलो, सॉलिड नहीं, हॉलो टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ऐसे आप देखोगे इसके नीचे 6 से 12 हॉलो टेंटिकल पाए जाते हैं, हॉलो टेंटिकल्स, टेंटिकल्स। याद रखिएगा इस ओडेलिया के टेंटिकल सॉलिड होते हैं, लेकिन हाइड्रा के जो टेंटिकल हैं, टेंटिकल्स जो है वो हॉलो है, जिनकी संख्या 6 से 12 होती है और ये सर्कल में होते हैं। इस वजह से कि रिंग अरेंजमेंट है हाइड्रा, जिसको हम कोलोनियल सॉरी सॉलिटरी बोलते हैं, एक ऐसा सिलिकेटा का मेंबर है जो सॉलिटरी है। ये कार्निवोर है, ये कार्निवोर है, हार्निवोर नहीं है, ये कार्निवोर है, जिसके जिसका जो अटैचमेंट होता है वो पेडल डिस्क से होता है। याद रखिएगा इसमें जो मूवमेंट होता है वो कई तरह का है, जैसे सर्कस में देखा होगा जोकर जो इस तरह केवल छोड़ता है, समझो। आप देखेंगे इसमें कई तरीके का है, हम क्या लूपिंग, लूपिंग, समर साइडिंग, समर साइडिंग, समर साइडिंग, ये लोकोमोशन का तरीका है, ये लोकोमोशन का तरीका है। मैंने कहा आपसे मैं हाइड्रा के बारे में बता रहा हूं, हाइड्रा सिलेंडेटा का वो मेंबर है जो सोलिटरी होता है, जो अकेले रहना पसंद करता है। जो हाइड्रा है इसके जो बॉडी फॉर्म देख रहे हैं आप, इसको हम पॉलिप बोलते हैं, पॉलिप बोलते हैं। ये सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल, इसका जो अटैचमेंट होता है वो पेडल डिस्क से होता है, और इसका जो माउथ के जैसा आर्गन है वो हाइपोस्टोम है। उस हाइपोस्टोम के नीचे 6 से 12 हॉलो टेंटिकल होते हैं, ये अपने शिकार को मार करके खाता है, ये कार्निवोर है। और इसके चलने फिरने का जो तरीका है, जो लोकोमोशन का तरीका है, बहुत तरीका है, जो कॉमन हम लोग को याद रखना है, लूपिंग और समर सॉल्टिंग। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ सिलेंड्रेटा का नाम सिलेंड्रेटा क्यों पड़ा? और स्पेसिफिक हो सकते हैं कि हाइड्रा में इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों हैं, तो
इंट्रा सेलुलर कहां है, फूड वैक्यूल के अंदर है, और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टर जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है जिसको सिलेंट्रा के नाम से जानते हैं उसके अंदर है। सबसे जरूरी बात, हाइड्रा का फूड क्या होता है? ये हाइड्रा माना कि कार्निवोर है तो किसको मार के खाएगा? ये उसको किल करेगा जिसकी बॉडी से ग्लूटाथियॉन निकलता है। ग्लूटाथियॉन वो केमिकल है जिसे हाइड्रा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ये याद रखिएगा, आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं क्रस्टेशियन एंड कुछ ऑर्गेनिज्म के जो लार्वा है, लार्वा उनको मार करके खाता है, क्योंकि क्रस्टेशियन और लार्वा में ग्लूटाथियॉन नाम का केमिकल बनता है। ये वही ग्लूटाथियॉन केमिकल है जो हम लोग अपने बॉडी को इंजेक्शन लगाए तो काले काले लोग गोरे गोरे नजर आएंगे, समझो। तो ग्लूटाथियॉन वह केमिकल है जो हाइड्रा को स्टिमुलेट करता है खाने के लिए। और ग्लूटाथियॉन सबसे ज्यादा मात्रा में क्रस्टेशियन और लार्वा में पाया जाता है, और क्रस्टेशियन में जिस क्रस्टेशियन में पाया जाता है उसका नाम है डेफनिया, जिसको हम वाटर फ्ली के नाम से जानते हैं। डेफनिया या वाटर फ्ली इज द फेवरेट फूड फॉर हाइड्रा। हाइड्रा का सबसे फेवरेट आइटम खाने के लिए डेफनिया है जिसको हम वाटर फ्लू के नाम से जानते हैं। अच्छा बताइए, हाइड्रा ट्रिक्लोरासी या डिक्लोरासी? बोलो यार, तुम खुद सोचो, मिजोरम है कि नहीं है? ऑसिलोम होगा? बोलो यार, नहीं होगा ना, हम क्या बोलेंगे? ऑसिलो 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 ऑसिलो। याद रखना, ये फ्री स्विमिंग नहीं हो सकता, ये फ्री फ्लोटिंग हो सकता है, ये अटैच हो सकता है, ये कोलोनियल हो सकता है, ये सोलिट्री हो सकता है। चलिए, वो कौन सा मेंबर हाइड्रा का जो सोलिट्री है? सिलिकेटा का कौन सा मेंबर है जो सोलिट्री है? क्या हाइड्रा? वो कौन सा मेंबर है जो कोलोनियल है? वो कौन सा मेंबर है जो फ्री स्विमिंग है? वो कौन सा मेंबर है जो फ्री फ्लोटिंग है? वो कौन सा मेंबर है जो अटैच है? वो कौन सा मेंबर है जो सेसाइल है? पता है अटैच का मतलब क्या होगा? बोले हाँ, समझ में आया? सिलेंडेटा का दूसरा नाम क्या है? क्या इससे कौन सी कैविटी है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अच्छा, जिस तरह से गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है उसी तरह से पोरीफेरा में क्या है? क्या पैरा गैस्ट्रिक कैविटी को स्पॉन्जियोसिस बोलते हैं। वहां याद आ रहा है ऑस्टिया से, ऑस्टिया लिवर से स्पॉन्जियोसिस एक है, ऑस्टियम एक है, ऑस्टिया वन की लिवर कितने काम थे? जनरली क्या था? मरीन। ये क्या होगा? मोस्टली मरीन, मोस्टली रेडियली सिमेट्रिकल है, रेडियली सिमेट्रिकल है, डिक्लोरासिक है, और किलोमेट है। सिलेंडेटा का दूसरा नाम क्या है? बोलो यार। अच्छा, इसके मेंबर कौन से हैं तो सोलिट्री होंगे, कोलोनियल होंगे, फ्री स्विमिंग होंगे, फ्री फ्लोटिंग होंगे, अटैच होंगे, सेसाइल होंगे, हाइड्रा जानते हैं, ओमनीवोर, हर्बीवोर, कार्निवोर। इससे लोकोमोशन लूपिंग की समर साइटिंग की दोनों अटैच करेगा किसे? पैडल 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 पैडल। ध्यान रखिएगा, हाइड्रा के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होता है रीजनरेशन का। इन हाइड्रा वी आर गोइंग टू सी एन एक्सीलेंट पावर ऑफ रीजनरेशन। जो आप पढ़े हैं ना प्लेनेरिया प्लेटवॉर्म में, ट्रू रीजनरेशन होता है, ठीक है? जो एनसीआरटी का डाटा रखते हैं वो मार देंगे, ट्रू रीजनरेशन उसमें होता है। लेकिन सुन लीजिए, इसमें भी ट्रू रीजनरेशन होता है। अगर कभी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है कि ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया कि हाइड्रा, तो आप दोनों लगाइएगा।